हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टेप्स थे वो हमने देखे थे, किसके फर्टिलाइजेशन के स्टेप वाइज प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्क्राइब की थी। अब उसमें हमने देखा कि लास्ट में जो सेकंड पॉलर बॉडी है उसकी फॉर्मेशन होती है और ओटिड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ओटिड में दोनों न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अभी तक वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, क्योंकि जब वो फ्यूज हो जाएंगे दैट ओटिड विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। तो लास्ट स्टेप उसका होता है जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है ऑफ स्पर्म वो फ्यूज कर जाता है विद हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। कुछ टाइम में ही ये चेंज आ जाता है कि जो ओटिड है उसमें दोनों जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन कर दे देंगे। सो ओटिड इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद ओवम न्यूक्लियस। अब ये ध्यान रखना है, अब सेक्स ऑफ द बेबी इसी स्टेज पे डिटरमाइन हो जाता है जैसे ही ये स्टेज आती है। सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, आप ये 10th क्लास में भी आता है, व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटरमिनेशन मींस व्हिच फैक्टर विल डिटरमाइन सेक्स ऑफ द बेबी, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ बेबी, वेदर दैट विल बी अ मेल और फीमेल, तो किस पे डिपेंड करेगा। हियर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट इन गेमीट। आपको सबको बताया था मैंने कि सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ह्यूमन बीइंग की ही हम बात करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, जिनमें से 22 पेयर्स बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल में। सिर्फ एक पेयर में डिफरेंस आता है, दैट इज कौन सा, लास्ट जो पेयर है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इनकेस ऑफ फीमेल पेरेंट क्या होता है XX और मेल पेरेंट में होता है XY। तो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम टाइप, कौन सा टाइप का क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ बेबी। अब हम एक क्रॉस के थ्रू उसको देखते हैं कि ये है फीमेल पेरेंट, इसके पास दोनों होमोगेमेटिक कंडीशन है, इसमें दोनों तरह के गेमिट सेम है एक्स एंड एक्स, ऑल गेमिट्स विल कैरी ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। यहां पे गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट बन रहे हैं, जब दो गैमेट बनेंगे दोनों एक्स और एक्स होंगे, मीन ऑल द गैमेट्स विल कैरी एक्स, क्योंकि फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है दोनों। अब मेल की बात करते हैं, तो मेल में हिट्रोगेमिटी है, इसमें अलग अलग तरह के गैमेट बनेंगे, 50% एक्स एंड 50% वाई, ये गैमेट्स हैं स्पर्म एंड ओवम, ये गैमेट्स बन गए। तो 50-50 है यहां पे, 50% ये और 50% ये। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक्स है वो फीमेल का जो एक्स है वो मेल में एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, तो यहां पे एक्स और एक्स आएगा, एक्स एक्स मीन फीमेल बेबी। सेम अगर हम इसी एक्स को जो है एक्स और यहां पे है एक्स, अब इस एक्स को या तो वो इसके साथ फ्यूज करेगा या इसके साथ फ्यूज करेगा, इसके साथ एक्स एक्स फीमेल वो हम यहां कर चुके हैं। अब ये वाला एक्स वाई स्पर्म के साथ फ्यूज, दोनों प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि अगर एक्स एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स, एक्स अगर वाई के साथ फ्यूज करेगा तो एक्स वाई। इट मीन्स 50-50% चांसेस हैं, 50% चांसेस ऑफ मेल एंड फीमेल, मीन रेशियो इज दिस। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अब यहां पे आता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हमें क्लियर है कि जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है किसके पास अलग अलग तरह के गैमेट हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फीमेल के पास सेम टाइप ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट है तो वो गैमेट सेम टाइप का ही बनाएगी। तो हिट्रोगैमेटी जिसमें है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी। नाउ देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल बेबी, अब पार्टनर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। हम बहुत सारे इस तरह के इश्यूज देखते हैं सोसाइटी में जिसमें फीमेल पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द सेक्स ऑफ बेबी, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज मेल पार्टनर। वी नोट बिकॉज फीमेल प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ गैमेट,
with X chromosome only. In male, two types of gametes are formed, X and Y, with 50% ratio of each. So scientifically, male partner is responsible for sex of baby. Partner with, अब ये तो हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, कई हम और ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे, उनमें भी हम देखेंगे कि जिसमें हिट्रोगेमिटी प्रेजेंट होगी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी. अगर फीमेल में हिट्रोगेमिटी होती है देन फीमेल विल बी रिस्पॉन्सिबल. कई ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हिट्रोगेमिटी फीमेल में भी प्रेजेंट होती है, इन दैट केस फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी. तो ये जो सोशल इश्यूज है इनको साइंटिफिकली जो है हम इसको क्लियर कर सकते हैं. जो डाउट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उनको ब्लेम किया जाता है फॉर द सेक्स ऑफ बेबी, तो ये साइंटिफिकली प्रूव होता है कि जिसमें हिट्रोगेमिटी होती है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी.